बिफर जो चक्रवाती तूफान के प्रभाव से पूरे जिले भर में अतिवृष्टि, दो रात से मूसलाधार बारिश। शुक्रवार रात करीब 70 से 80 किलोमीटर गति से आया तूफान अभी भी 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है हवाएं। शुक्रवार रात को 2 बजे से ही जिले में लगातार मूसलाधार बारिश, रानीवाड़ा में 10 इंच बारिश। नेहर क्षेत्र से आया चक्रवात शीतलवाना उपखंड क्षेत्र को सबसे पहले किया प्रभावित। बिपर जॉय ने जालौर जिले में शुक्रवार की मध्य रात्रि से 2 बजे से 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रवेश किया। गुजरात की बॉर्डर के नेहर क्षेत्र में प्रवेश करते ही शीतलवाना उपखंड क्षेत्र के सबसे पहले प्रभावित किया। शीतलवाना को होते हुए चांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, जालौर होते हुए पाली की तरफ चक्रवात चला गया। तूफान का आधा भाग शीतलवाना से बाड़मेर की तरफ बढ़ गया। सबसे अधिक असर शीतलवाना, रानीवाड़ा व सासौर क्षेत्र में देखने को मिला। रणखार क्षेत्र में होते हुए नेहड़ के गांवों में तूफान की एंट्री होते ही तेज हवाओं का दौर शुरू हुआ। रात से ही हजारों की संख्या में पेड़, बिजली के खंभों के गिरने के साथ साथ कई कच्चे मकान व टिन शेड उड़ गए। मौसम विभाग के अनुसार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ बारिश होती रही। सबसे अधिक बारिश शीतलवाना में दर्ज की। वंडर बिठन बांध में आया पानी, 20 घंटे से बिजली गुल। दर्जनों रपट पर 3 फीट तक पानी, 400 पोल गिरे, 58 ट्रांसफार्म खराब हुए, नर्मदा की माइनर भी टूट गई। जिले भर में बारिश के बाद हालात और बदतर होते जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में नदी व नालों में पानी की आवक तेज हो चुकी है। कई नदी नाले पूरे वेग के साथ में बह रहे हैं तो कई सड़कों पर बनी रपटों पर भी 2 से 3 फीट तक पानी चल रहा है। तेज बारिश के बाद 13 में से 2 बांधों में वंडर व बिठन बांध में भरपूर पानी आया है। वंडर बांध ओवरफ्लो होने के साथ साथ बिठन बांध में 0.1 मीटर पानी देर शाम तक आ गया। सबसे अधिक नुकसान डिस्कॉम को भी पहुंचा है। विभाग के ऐसे ही महेश व्यास के अनुसार जिले भर में लगभग 400 बिजली के पोल गिर चुके हैं, साथ ही 56 ट्रांसफार्म व 2 GSS पानी से भर जाने से खराब हो गए हैं। सासौर व शीतलवाना क्षेत्र में कुछ नर्मदा माइनर भी टूट गए हैं। बारिश आने के बाद शुक्रवार की रात को सासौर व शीतलवाना क्षेत्र में बिजली की कटौती की गई। उन क्षेत्रों में 20 घंटे में बिजली वापस सुचारू नहीं हो पाई। बाकी क्षेत्रों में शनिवार को पूरे बिजली की कटौती रही। जिला मुख्यालय पर तेज बारिश के चलते बिजली बाधित हो चुकी है। डूब क्षेत्र में 6 गांवों को किया अलर्ट। रानीवाड़ा और भीनमाल क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। रानीवाड़ा क्षेत्र के पानी से वंडर बांध और फ्लो हो चुका है। कलेक्टर निशांत जैन, SP मोनिका सेन, जल संसाधन विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे। उसके बाद वंडर बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले 6 गांव सावलावास, किरवाड़ा, नोहरा, पुनासा, सेवड़ी, वाड़ा, भाड़वी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। लगातार बारिश को देखते हुए जिले भर में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बता दें 2015 और 2017 में 48 घंटे तक लगातार बारिश के बाद बाढ़ आ गई थी। ऐसे ही आसार इस बार भी दिख रहे हैं। हवा का असर आज भी रहेगा। मौसम विभाग के आनंद कुमार शर्मा ने बताया कि चक्रवात का असर अधिकतर बाड़मेर में चला गया है। रविवार सुबह तक जिले में हवा चलती रहेगी। रविवार शाम तक बारिश होने की भी आशंका है। चक्रवात के दौरान रानीवाड़ा में 245, शीतलवाना में 339 व सासौर में 199 mm बारिश हुई। शीतलवाना में शनिवार सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक 200 mm बारिश हुई, 210 mm बारिश हुई। दोपहर को 2 से 4 बजे 2 घंटों के बीच में 104 mm बारिश होने से एक बार यह क्षेत्र पानी पानी हो गया। तूफान का अधिक असर सासौर व शीतलवाना में रहा। यहाँ पर शुक्रवार शनिवार की मध्य रात्रि करीब 2 बजे के बाद में तेज हवाएं शुरू हुई। यह हवा 70 से 80 किलोमीटर प्रति